हमें पता है JLPT एग्ज़ाम अब बस कुछ दिनों में ही है और जुलाई का 2023 अटेम्प्ट आने ही वाला है, तो इसके लिए हम क्या प्रिपरेशन करें ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए एंड जो हमारे फेल होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाए। हम शुरू करें उससे पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी जैपनीज से रिलेटेड वीडियोज़, JLPT से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम ट्राई करेंगे हम आगे JLPT N5, N4, N3, N2 इन लेवल्स के लिए भी पर्टिकुलरली ये टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो अगर आपको JLPT का एग्ज़ाम के बारे में पता है तो ये एग्ज़ाम अब कुछ दिनों में 2 जुलाई 2023 में होने वाला है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया। आज ऑलरेडी जून स्टार्ट हो चुका है एंड जुलाई में अब तो टाइम ज़्यादा रहा ही नहीं है, तो हम बेस्ट क्या करें कि कुछ दिनों में हमारे को जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, जो कि पास होना हमारा अगर जो डिज़ायर है, वो किस तरीके से हम मीट कर पाए। तो सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है कि वोकैबुलरी सेक्शन को अच्छे से करना है। अब वोकैबुलरी सेक्शन में आप शायद कंफ्यूज हो जाओ अलग अलग लिस्ट को देख के, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, अगर हम JLPT की वोकैबुलरी लिस्ट की बात करें तो आपको अलग अलग साइट पे अलग अलग लिस्ट मिलेगी, तो आपको उसमें से कन्फ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6 लिस्ट मिली है वोकैबुलरी की, जिस भी लेवल का आप दे रहे हैं, तो आपको उसमें से कोई भी 2 या 3 अच्छी वेबसाइट, अच्छे रिसोर्सेज जो आपको लगे, उनकी वोकैबुलरी लिस्ट को पकड़ लो और उसको अच्छे से याद करते चलो ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। और बाकी जो 2-3 साइट की वोकैबुलरी रह रही हो वो मत करो, चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है जितनी भी वोकैबुलरी करो अच्छे से करो, क्योंकि वोकैबुलरी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता ही है, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट जब आप रीडिंग सेक्शन पे आओ तो रीडिंग सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी स्पीड, ठीक है। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमें पता है जिसमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ आते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें, तो एक तरीका उसके लिए हो सकता है कि आप, अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, आप वॉच तो होपफुली लेके जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, तो अगर आपके पास वॉच है एंड आपको दिख रहा है कि आपके पास टाइम कम है एंड आपको अब जल्दी करना है वरना आपको पेपर पक्का छूटेगा, तो बेस्ट क्या है, अगर बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो बेस्ट क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ लो एंड क्वेश्चन पढ़ के, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के उस कॉम्प्रीहेंशन से आंसर ढूंढ लो। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल टेक्निक रह सकती है पेपर में टाइम बचाने के लिए, जब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और आप इस बात को जानते हो। उसके बाद लिसनिंग सेक्शन में एक बात ध्यान देने वाली है कि लिसनिंग सेक्शन में, ये मैंने जितनी बार भी एग्ज़ाम दिया मैंने नोटिस किया है कि लिसनिंग सेक्शन में जो साउंड आती है, जो वॉइस आती है, वो क्लियर नहीं आती, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न, जो भी है, जो वो साउंड आती है वो अच्छी नहीं होती, मतलब बहुत क्लियर नहीं होती, तो आपको और ज़्यादा टेंशन और फोकस से आपको उसको सुनना है, समझना है, तभी आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे कि कन्वर्सेशन क्या हो रही है। ओके, सो इट्स बेटर कि आप एक, जैसे साइट है जैपनीज टेस्ट फॉर यू, ओके, ये आई होप आप में से कुछ लोगों को पता भी होगी, तो आप ये साइट फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर इसके लिसनिंग प्रैक्टिस में, मैंने देखा है कि जिस तरीके से एग्ज़ाम में लिसनिंग आती है उसी तरीके से वही साउंड क्वालिटी होती है, वही साउंड क्लैरिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जी, जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन होते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग के सेक्शन होते हैं, जैसे N3 में तो एक साथ आता है, N2 में भी एक साथ आता है, बट N4 N5 में शायद अलग अलग सेक्शन आते हैं वाले। ओके, सो आपको उसमें किस तरीके से करना है कि पहले वोकैबुलरी कर लो, ओके, एंड फिर ग्रामर करो। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी करने के बाद क्या होता है, आपके माइंड से जो आपने कांजीज याद करी है, जो आपने वोकैबुलरी के वर्ड्स आपने अपने माइंड में कुछ तो होल्ड करके रखे होंगे, राइट, कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक बार रिवाइज करके जाऊंगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड फिर ग्रामर पैटर्न भी जब आप आओगे तो आपको ग्रामर पैटर्न जो आपने होल्ड करे हुए माइंड में, याद करे हुए, आप उनको यूज़ करके ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब एग्ज़ाम में आपके पास टाइम, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है एंड आपको समझ नहीं आ रहा उसका आंसर क्या है, राइट, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट क्वेश्चन ओनली, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन है ग्रामर पैटर्न का एंड आपको उसका आंसर के लिए, एंड अभी उस आंसर के लिए आप अनश्योर हो कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको डाउट है कि इसका या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फोर्थ होगा, राइट, सो आप उसको कुछ देर के लिए लीव कर दो एंड आपने एक मिनट देखा आपको अभी भी डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, राइट, एंड उसको मार्क कर लो या कहीं साइड में लिख लो ताकि आप बाद में जब आपके पास थोड़ा टाइम बच जाए तो आप उसको अटेम्प्ट करके एंड क्लियर माइंड से विदाउट एनी स्ट्रेस कि मेरे को अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं, तब आप उसको सॉल्व करोगे तो आप होपफुली सही आंसर ईजिली निकल पाओगे।
तो ऐसा अगर आप क्वेश्चन पे स्टक हो तो ये नहीं करना कि मैं सारे क्वेश्चन लाइन वाइज करते रहूँ, आप कुछ क्वेश्चन को स्किप करते हुए बिल्कुल जा सकते हो एंड आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। हम ऐसी वीडियोज़ और लाते रहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें।